सेल, राइट। सबसे पहले पढ़ा वट से गो थ्रू हो जाओ। सेल में वट वी हैड डन, सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट कुक इन 1665 व्हेन ही ऑब्जर्व इन द स्लाइस ऑफ द कोक। ठीक है, वट इज कोक? अ सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री एंड व्हेन ही ऑब्जर्व द डेड सेल्स। ठीक है, ही ऑब्जर्व द डेड सेल बिकॉज दे लॉस्ट द लिविंग कंटेंट। ठीक है जी, एंड ही ऑब्जर्व अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप एंड ऑल दैट एंड ही ऑब्जर्व दीज आर द डेड सेल्स। देन आफ्टर दैट इसके ऊपर अगेन फर्दर डिस्कवरीज हुई। देन हमारे पास आए, नेक्स्ट आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने फर्दर इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करी एंड देन ही मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा माइक्रोस्कोप। देन ही ऑब्जर्व कि दिस इज नॉट द डेड सेल्स, दीज आर द लिविंग सेल्स, है ना। देन रॉबर्ट ब्राउन, बट ही सजेस्टेड न्यूक्लियस, ही ऑब्जर्व एंड ही गेव द नेम न्यूक्लियस, हु? रॉबर्ट ब्राउन। देन परकिन जी, बट ही गेव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। देन सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय द टू साइंटिस्ट सचवान एंड स्क्लीडन। ठीक है, मेन थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी है दैट यू विल नॉट लर्न, दो पोस्टुलेट दैट वी ऑलरेडी हैड रिटन, वी विल नॉट डिस्कस दैट वन। मेन टू पॉइंट्स आप लर्न रखोगे, ऑल लिविंग सेल्स और जितने भी लिविंग बींग्स हैं दीज आर कंपोज ऑफ द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द सेल्स एंड सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। टर्म आई टोल्ड यू ओमनियो सेलुले, सेलुलर सेलुली। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल PPLO, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, राइट। उसके बाद स्मॉलेस्ट है, RBC इज द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट सेल दैट इज द न्यूरोन, नर्व सेल और न्यूरोन दैट इज द एग। ठीक है, देन द डिफरेंट शेप्स एंड द साइजेस वी हैड डिस्कस कि दीज आर फाउंड इन द डिफरेंट शेप्स एंड द डिफरेंट साइजेस। कोई हमारे पास स्पिंडल शेप्ड है, सम ऑफ दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द इलोंगेटेड राउंड स्फेरिकल, दीज आर हैविंग द डिफरेंट शेप। उसके बाद हमने करा था प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैक्टीरिया सेल। डायग्राम आप सबको लर्न है, वो डायग्राम लर्न है बैक्टीरिया सेल का, डबल लेयर वाला लर्न है कि नहीं? उसको टाइम लगेगा मुझे। फिर बैक्टीरिया सेल के डायग्राम में आपने लेबलिंग ध्यान से करने, क्या क्या करे थे हमने उसमें, जो बाहर वाली लेयर्स थी दैट आर कॉल्ड, कुछ नहीं याद, बनाऊं? आया याद? आया याद? कर लोगे आगे चले? मैं आज ओरल करवाने के उसमें हूँ। हाँ, सो दैट आई मीन प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है ना? हाँ जी, प्रोकैरियोटिक का डायग्राम दैट इज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया एंड द लेबलिंग दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द MCQ। ठीक है, देन इसमें आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करे थे, ग्लाइकोकैलिक्स एंड ऑल दैट। प्रोकैरियोट्स में आपने सारे इसके पार्ट करे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास मेन मेन टॉपिक पे आओ कि जो सेल है हमारे पास, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर हमने करे थे तो सेल में हमारे पास दो चीजें मेन पार्ट थे, थ्री पार्ट्स मेन थे। सेल वॉल, ठीक है, जिसकी हमने क्या करी है, सेल वॉल इज व्हाट, किस में प्रेजेंट है, बट इट व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस, टू विदस्टैंड विद द एक्सट्रीम कंडीशन, राइट। देन द सेकेंड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। वट इज द सेल मेम्ब्रेन विल डू, वाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद हमारे पास एक और व्यू आया था ट्राई लेमिनार स्ट्रक्चर का, वट डज दैट मीन? ट्राई लेमिनार करा था हमने, ट्राई लेमिनार सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, क्या करा था, डार्क एंड लाइट में करा था, कुछ नहीं और, जिसमें आपने बल्क प्रोटीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बनाए थे। ठीक है, देन हाँ, एक बैंड में
वो नहीं था जो ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी। करे थे ऐसे, ठीक है। दिस इज द ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर में हमने ये तीन स्ट्रक्चर करा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तो कॉन्सेप्ट था डिफरेंस लाइक बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोसिस वी हैड डिस्कस द एक्टिविटी हाइपर हाइपो एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। इन केस ऑफ द हाइपो हाइपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने तीन चीजें करी थी, एक बार उसको गो थ्रू कर लो, ठीक है। इफ द सेल इज हियर, इफ इट इज हाइपो तो वट विल हैपन, द साइज ऑफ द सेल एंड लार्ज, दैट इज ड्यू टू द स्वेल्स अप, राइट, बिकॉज द वॉटर विल एंटर इन टू द सेल। आइसो में नो नेट मूवमेंट, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग वॉटर अगेन एंड अगेन, इट विल रिमेन, सॉरी, इट विल रिमेन द सेम साइज। एंड इन केस ऑफ द हाइपर श्रिंकेज लाइक दिस, श्रिंकेज विल डन, ठीक है। अब इसमें आई टोल्ड यू द टू टू और अदर एग्जाम्पल्स आई गेव, या आई टोल्ड द रिंगर सोल्यूशन इज व्हाट फॉर फॉर आरबीसी, रिंगर सोल्यूशन दैट इज फॉर आरबीसी, दैट इज द आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो आरबीसी के लिए है, रिंगर सोल्यूशन में इट विल रिमेन द सेम, अदरवाइज बाकियों में चेंजेस होंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ द रेजिन्स ऑल्सो यू हैड डिस्कस, तो आपको रेजिन्स वर्ड आ जाए, आपको आरबीसी आ जाए, या सिंपल सेल आ जाए, हाइपो हाइपर एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन यू हैव टू एक्सप्लेन। उसके बाद आपने करा था सेल वॉल का, हमारा हो गया कि दैट इज इन एडिशन कि वो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट इज द अदर ऑर्गेनली दैट इज द नाउ द सेकेंड इज द साइटोप्लाज्म विच इज हैविंग द डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन इट। नंबर वन माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दैट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, ठीक है। दो चीजें इसमें मेन करवाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज हैविंग द डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए, ठीक है। इज इट क्लियर, तीन डिफरेंट थिंग्स करी, बाकी मोस्टली सभी जो ऑर्गेनेलिज है दीज आर सिंगल लेयर। एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और एक अभी हम आगे करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इज इट क्लियर। कहाँ पे है, आने तो दो। देन उसके बाद आपने करा प्लास्टिड्स, तो व्हाट आर द प्लास्टिड्स, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड्स कितनी तरह के करे थे हमने, कौन कौन से, ल्यूको क्लोरो एंड क्रोमो। क्रोमो मीन्स दे प्रोवाइड द कलर, दैट इज द नॉन ग्रीन पिगमेंट। क्वेश्चन में इस तरह से भी हो सकता है, नॉन ग्रीन पिगमेंट दैट मीन्स वो ग्रीन नहीं है, उसके अलावा उसमें कलर्स है, नॉन ग्रीन पिगमेंट। हाँ पिगमेंट है, जो पिगमेंट ग्रीन है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें नॉन ग्रीन है लेकिन पिगमेंट है वो क्रोमो है। क्रोमो वर्ड कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। देन द ग्लूकोप्लास्ट दीज आर नॉट हैविंग एनी कलर, तो उसमें क्या होता है कि स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल एंड द फैट्स, ठीक है। प्लास्टिड दिस इज ऑल्सो द डबल लेयर स्ट्रक्चर, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड द राइबोसोम। तो कौन कौन से हमने करे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। फंक्शन क्या है इसका, प्लास्टिड्स का, दे हेल्प टू ट्रैप द सनलाइट टू प्रिपेयर द फोटो टू डू द फोटोसिंथेसिस, एंड क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इट अट्रैक्ट एनिमल्स, एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा। देन आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोल तो दिया, डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड द राइबोसोम, ठीक है, ठीक है। दो बता दिए ना, दो सेल ऑर्गेनेली अभी तक बोल दिए हमने, one is mitochondria and other one is the plastid, which are the double layered structure on DNA and ribosomes, ठीक है। then आ जाइए endoplasmic reticulum, but is the where it is present in both plants and the animals, ठीक है। होती क्या है endoplasmic reticulum, long है, tubular structures है, इसमें क्या होते हैं tubules हैं, vesicles हैं, and are of two types, SCR and RER,
devoid of ribosome. SCR word they can use devoid. Devoid means absence hona. Devoid of ribosome, that is the SCR. Presence of ribosome, that is the RER. What is the ribosome function? Protein synthesis. ठीक है, devoid of ribosome SCR, presence of ribosome RER, help in the synthesis of lipids. कौन करते हैं? SCR helps in the protein synthesis. ठीक है, formed by the vesicle and tubules, and I think that is we had discussed कि flat sac and this है ना, sac like structures. Then Golgi bodies. Golgi bodies are given by Camellio C. Camellio Golgi. ठीक है, Camellio Golgi. What is the other name of the Golgi apparatus? Packaging and storing house of the cell. ठीक है, what is the other name of Golgi bodies? Packaging and storing house of the cell. It is present in read जरूर करना, read जरूर करनी. ठीक है, present in all eukaryotic cell. Golgi bodies present in all eukaryotic cell. Exception RBC in mammals or sperms. ठीक है, दो चीजों में Golgi bodies absent हैं. Otherwise Golgi bodies are present in all eukaryotic cell except RBC in mammals and sperms. ठीक है, इनमें नहीं है, absent in prokaryotes. ठीक है, what are the lysosomes? Why they are called suicidal bags? बट मतलब वही उसके फिर फंक्शन हो गए कि दे विल हेल्प इन डाइजेशन, रिमूव द वेस्ट मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है, एनीथिंग. देन वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्यूल्स वी हैड डिस्कस्ड? सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सैप वैक्यूल क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड. ठीक है, फ्लूइड फिल्ड होते हैं विच अकर इन बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स. फूड वैक्यूल्स डाइजेशन अकर इन केस ऑफ द अमीबा वी कैन से. ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अकर्स इन द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है जी, देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड विच इज मतलब लैक न्यूक्लियाई एट देयर मेच्योरिटी लेवल. मेच्योरिटी name which lack nuclei at their maturity. Cell RBC. RBC lack nuclei at their maturity. Likha hoga copy mein. Theek hai, RBC lacks the brain of the cell 120 days. ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, हमने ड्रॉ करा हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम SCR RER बनाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन. मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोजोम. वो उसी में आ गया ना, मैं मेन उसके पार्ट. न्यूक्लियोलस क्या है? वट इज न्यूक्लियोलस? Rounded structure rich in the RNA and protein. ठीक है, what is nucleoplasm? Colorless, fluid. ठीक है, and what is chromosome? DNA plus protein. ठीक है, बताने. उसके बाद in your NCERT book two word terms are given, mitosis and meiosis, in some of the new books at least. ठीक है, इतना याद रख लो. माइटोसिस को वी विल से द इक्वेटोरियल एंड मियोसिस को वी विल से रिडक्शनल. माइटोसिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज रिडक्शनल. ठीक है, इसमें एक्चुअली होता है कि अगर एक एन है ना, वो दो में डिवाइड हो जाता है इक्वल पार्ट्स में. यहां पे क्या होता है, अगर ये है ना, इट डिवाइड इन टू हाफ हो गया ना, रिड्यूस हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शनल. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल का डिफरेंस आता है, बस इसमें ये याद रख लो, कर लेंगे.